जैन दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको भारतीय संविधान, जो भारत का जो संविधान है, इसकी शुरुआत किसने और कब करी थी उसके बारे में समझाऊंगा। अभी तक लोग बोलते रहते हैं कि संविधान इसने बनाया उसने बनाया, लेकिन शुरुआत संविधान की किसने करी उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जाऊँगा। भारतीय संविधान, सबसे पहले पॉइंट नंबर वन पे चलते हैं। पलासी लड़ाई कब हुई थी 1757 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पलासी लड़ाई कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, बक्सर लड़ाई कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। पलासी लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बक्सर लड़ाई हुई थी 1764, ठीक है। पहले पलासी हुई थी, बाद में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अच्छा, इस तीन लड़ाइयों को, बक्सर की लड़ाई में युद्ध में कौन जीता था? अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों से हुई थी, ये अंग्रेज में जीत गए थे, ठीक है, अंग्रेजों को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे वो किस नाम से आए थे इंडिया में? आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, बिजनेस करने के लिए आए थे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना अपना धीरे धीरे शिकंजा कसता रहा और देश को गुलाम उन्होंने बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा, उसके बाद शासन को अनुकूल चलाने के लिए अब इन्होंने क्या किया, देखो अभी इन्होंने दिमाग लगाया, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद हमारी सत्ता चली जाए, हमारा चेंज हो जाए, क्योंकि दुनिया में बदलाव ही एक बड़ी चीज़ है, बदलाव होना है, 100% होना है। ऐसा नहीं है, देखो हमारे पास 800 साल मुगलों ने शासन किया, बदला हुआ अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, बदला हुआ दोबारा से हिंदुस्तान में हिंदुओं का शासन आ गया। इसी प्रकार से अभी इनको भी पता था कि हमारा बदलाव हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने अनुकूल, मतलब अपने शासन के अनुकूल इन्होंने क्या किया, अपने अनुकूल क्या किया, इन्होंने कुछ कानून बनाना शुरू कर दिए। इनको पता था कि अगर कोई कानून बना के चले जाएंगे तो कानून क्या है, वो कानून चलता रहेगा, ठीक है, रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित करे, ठीक है। जब इनका शासन चल रहा था इन्होंने क्या किया, कई एक्ट पारित करे, जिन्होंने कर वसूली वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो कई एक्ट पारित किए जो कि भारतीय संविधान की सीढ़ी, मतलब जो भारतीय संविधान में अभी भी मौजूद हैं, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भारतीय संविधान में अभी भी मौजूद हैं, भारतीय संविधान की सीढ़ी बोला गया है, ठीक है, सीढ़ी बनी, ठीक है। कानून क्या था, सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया, जिसके रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया अंग्रेजों ने। इस अधिनियम से अंग्रेजों को बहुत फायदा मिला, फायदा क्या क्या मिला, तीन फायदे मुख्य रूप से मिले अंग्रेजों को। किताब में तो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है। अंग्रेजों को मुख्य रूप से तीन फायदे मिले। पहला फायदा क्या था अंग्रेजों का, भारत में अंग्रेजों की कंपनियां आसानी से चलती रहे, अगर हमारा शासन बदला भी हो जाता है, अंग्रेजों का शासन खत्म भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इस एक्ट की मदद से क्या है, शासन ही आराम से चलता रहे और अंग्रेज इंडिया में सर्वाइव करते रहें। दूसरा नंबर है, इनके द्वारा कंपनियों को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में की मान्यता मिली। इन्होंने क्या किया है, पहले ये कंपनी चलती थी तो इनका एक मालिक हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर उसको लीगल करा लिया। पहले क्या राया, जब राया चेंज होता था तब अपने हिसाब से करता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, इसको एक संविधान बना के, एक एक्ट बना के क्या किया, प्रशासनिक और राजनीतिक, मतलब शासन किसी का भी हो लेकिन हमारी कंपनी चलती रहे, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों से मान्यता इनको मिल गई। ये दो मुख्य इनके फायदे बने। तीसरा इनको फायदा हुआ, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जब राजनीतिक और सामा राजनीतिक और प्रशासनिक वो फायदा मिली, तो उन्होंने क्या किया,
केंद्रीय शासन मतलब केंद्र लेवल की, केंद्र लेवल की जो स्टेट से बढ़कर जो होता है ना केंद्र, तो केंद्र के हिसाब से उन्होंने नींव रखना शुरू कर दिया कि ये केंद्र की कंपनियां हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर केंद्र वाले कौन कौन से नियम लागू होंगे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने लागू करके क्या किया, अपनी कंपनियों को स्थापित कर दिया। अभी भारतीय संविधान को हम दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई, उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है। 1764 में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई। इस ये युद्ध किसने जीत लिया, अंग्रेजों ने जीत लिया, ये सारा युद्ध दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश की ब्रिटिश थी ना, ब्रिटिश अंग्रेज थे ना इंग्लैंड के, उन्होंने ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी इंडिया के अंदर, उसने क्या किया, कंपनी को शिकंजा कसा। इसी शासन काल में इनकमिंग, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के समय समय पर एक एक्ट पारित कर दिया। कौन सा, 1773 में रेगुलेशन एक्ट बन गया। इससे अधिनियम से अंग्रेजों को बहुत फायदा मिला। जैसे क्या फायदा मिल गया, फायदा नंबर वन, भारत में अंग्रेजों की कंपनियां आसानी से चलती रहें, ठीक है, आसानी से अंग्रेजों की कंपनी चलती रहें, भारत में अंग्रेजों की कंपनियां आसानी से चलती रहें। दूसरा फायदा, इसके द्वारा कंपनियों को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों से मान्यता प्राप्त हो गई। अभी क्या है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों से मान्यता प्राप्त हो गई। और नंबर तीन नंबर है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने से जो मैं आपको बताया था, मतलब इनको राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरफ से मान्यता मिली, जिससे कि इनका काम अब इनको कोई हटा नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने अपना ये अपने हिसाब से कानून लागू किए और हमारे देश पर शासन किया। तो ये हमारा भारतीय संविधान का चैप्टर, आपको कैसा लगा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अपनी थोड़ा सा जो ज्ञान है वो आप अर्जित करें। जय हिंद, जय भारत।